छतरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के 3 विधायकों की बुराई करते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो महाराजपुर सीट के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के लिए इतना तक बोल गए हैं कि उनकी टिकट 80% तक कट चुकी है, और अगर हमारी बात गलत निकल जाए तो मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। जब इस वायरल ऑडियो के बारे में छतरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल से पूछा गया तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये ऑडियो फर्जी है, मेरे खिलाफ विरोधियों ने साजिश की है, मैं इसके खिलाफ साइबर सेल में शिकायत करूंगा। लखन पटेल ने कहा कि हमने पूरे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया है, हमने पिछड़ा वर्ग के लोगों को एकजुट किया है। जिनके दम पर बीजेपी चुनाव जीतती थी, अब वो हार के डर से घबरा कर ऐसी साजिश कर रही है। देखिए, ये जो वीडियो चल रहा है, क्योंकि छतरपुर जिले में कांग्रेस के हम पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं, आज पूरे जिले में हमने संगठन को मजबूती प्रदान की है, और जो भाजपा का वोट बैंक था पिछड़ा वर्ग, उसी के दम पर ये चुनाव जीतते थे, तो आज छतरपुर जिले में पिछड़ा वर्ग का पूरा वर्ग, अकेले पटेल समाज नहीं, पूरा वर्ग पिछड़ा वर्ग भाजपा से दूर हो गया है, कांग्रेस के साथ जुड़ने लगा है। तो ये चुनाव, चूंकि 2 माह बाद चुनाव आने वाला है, तो ये चुनावी माहौल में ये फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं। ये पूरा ऑडियो वीडियो जो भी डला है, ये पूरी तरह से फर्जी है। ये मैंने, मेरा कुछ नहीं है, ना मेरा किसी से विवाद है, हमारा सब सामंजस्य में काम चल रहा है, पूरा संगठन एकजुट है, हमारे विधायक एकजुट है, और सभी लोग, हम लोग दमदारी से एक साथ एकजुटता से अगले चुनाव में जाने वाले हैं, और कांग्रेस की 6 की 6 विधानसभाएं जीतने वाली है। नहीं नहीं, मेरी नहीं है वो, उसके लिए भी मैं शिकायत कर रहा हूँ। पुलिस अधीक्षक से करेंगे, उसकी भी जांच करवा रहे हैं। वहीं इस वायरल ऑडियो पर चुटकी लेते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि कांग्रेसियों की फितरत ही ऐसी है, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो चुनाव क्या खाक लड़ेंगे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ये बिल्कुल झूठ दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, सरकार भाजपा की ही बनना है। और जो लखन पटेल जी ने कहा है कि नीरज जी का टिकट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी महाराजपुर से, तो उन्होंने सही कहा है, इसलिए कि वो तो उनमें इतनी अंतर कलह है, आपसी में इतनी गुटबाजी है, जो उनसे वो कहीं भी उसके निजात नहीं हो पा सकते। और उनकी सभी, एक प्रकार से कहा जाए तो हर प्रकार की उनकी जो पार्टी के प्रति, एक दूसरे के प्रति उनकी द्वेषता है, भेदभाव है, ये किसी से छुपे हुए नहीं है, कि नीचे से ऊपर तक उनकी विशेष गुटबाजी का संकल्प है, और उनका यही एक काम ही रहता है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।